दोस्तों, अगर आप अपने हाथ और पैरों को गोरा, चमकदार और सुंदर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हाथ और पैरों के धूल मिट्टी और पुराने से पुराने मैल को बाहर निकालने का एक आसान घरेलू तरीका बताने आ रहा हूँ, जिसकी मदद से आप अपने हाथ पैरों के मैल और गंदी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से आपके हाथ पैर काफ़ी गोरे, चमकदार और सुंदर भी बनेंगे। दोस्तों, इसे बनाने के लिए जो भी चीज़ हमने यहाँ पर ली है वो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसे बनाने का तरीका। दोस्तों, इसे बनाने का जो तरीका वो ये है, आपको सबसे पहले खाली कटोरी लेनी है। एक खाली कटोरी लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे एक नींबू। दोस्तों, एक नींबू लेकर हम इसे काट लेंगे और नींबू का पूरा रस हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। दोस्तों, नींबू का रस हमारी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है। ये हमारी त्वचा से मैल और गंदी को आसानी से बाहर निकालता है, साथ ही त्वचा के अंदर तक जाकर त्वचा को निखारने का भी काम करता है। नींबू का रस हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नींबू के रस की मदद से त्वचा पर तेज़ी से गोरापन आता है। दोस्तों, इस तरीके से आपको एक नींबू का पूरा रस एक खाली कटोरी में निकाल लेना है। नींबू का रस लेने के बाद दोस्तों अगली चीज़ जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो दोस्तों नारियल का तेल। दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें एक चम्मच नारियल का तेल ऐड करेंगे। नारियल का तेल हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही हमारी त्वचा के अंदर तक जाकर त्वचा को ग्लोइंग बनाता है। नारियल का तेल हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, नारियल का तेल लेने के बाद में अब आखिरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो दोस्तों एक इनो। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक इनो का पाउच लेना है और इसे काट कर आपको इसमें इनो जो है ऐड करनी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आधा इनो का पाउच जो है इसमें ऐड कर दें, आधा इनो जो है आप बचा के रख लें अगले दिन के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों तीनों चीज़ें हमने ले ली हैं यहाँ पर। दोस्तों, इनो हमारे मैल को तेज़ी से फुलाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से झाग हो रहे हैं इसमें, ठीक इसी तरीके से ये हमारे मैल को फुलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारा मैल आसानी से बाहर निकलता है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें दो चम्मच गुलाब जल। दोस्तों, गुलाब जल भी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारी त्वचा पर क्लिनजिंग का काम करता है। ये हमारी त्वचा से जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालता है और त्वचा को निखारता है। दोस्तों, इस तरीके से दो चम्मच गुलाब जल लेने के बाद में आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से दोस्तों मिक्स करने के बाद में इस पेस्ट को अपने हाथ और पैरों पर इस तरीके से लगाना है। गोल गोल इस तरीके से इसकी मालिश करें और अपने पूरे हाथ और पैरों पर इसे लगा लें। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरे हाथ और पैरों पर इसे लगा लेना है और इसे लगाकर आपको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद दोस्तों आप अपने हाथ पैरों को सादा पानी से धोकर साफ कर लें। दोस्तों, इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में आपके हाथ और पैर काफ़ी गोरे, चमकदार और सुंदर दिखने लगेंगे। साथ ही इसकी मदद से आपके हाथ और पैरों का जितना भी मैल है, गंदगी है, काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने हाथ और पैरों को गोरा, चमकदार और सुंदर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पर। साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।